तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलनम। स्वागत है आपका इलनम पे एक बार फिर से। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूँ कुछ फेलोशिप्स के बारे में जो इंडिया में पीएचडी के लिए मिलती हैं। ठीक है, जब भी आप कोई फॉर्म भरते होंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट फेलोशिप्स के बारे में देखते होंगे, फिर कन्फ्यूजन आता होगा कि कौन सा फेलोशिप कहाँ एलिजिबल है, कौन सी फेलोशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी फेलोशिप में कितना अमाउंट मिलेगा, कौन सी फेलोशिप कितने दिन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जहां पे मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिप्स में सारे जो इंडिया में पीएचडी के फेलोशिप अवेलेबल है उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और हर फेलोशिप के बारे में एक डिटेल वीडियो भी आएगा, लेकिन इस वीडियो में जो 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 भी फेलोशिप्स हैं उनको मैं थोड़ा क्रिप्स में बताऊंगा। ठीक है, और इन सारे फेलोशिप्स को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल फेलोशिप, इंस्टीट्यूट फेलोशिप एंड रिसर्च फेलोशिप या प्रोजेक्ट फेलोशिप। ठीक है, तो आइए देखते हैं हर फेलोशिप के बारे में एक एक बार में। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल फेलोशिप या ओन फेलोशिप। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, एक्सटर्नल फेलोशिप मतलब कि आप किसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहे हो, लेकिन जो फेलोशिप आ रही है आपकी वो किसी एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से आ रही है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी आपकी पीएचडी को फंड कर रहा है, आपकी पीएचडी के लिए फेलोशिप दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो फेलोशिप होती है आपकी कोई एक्सटर्नल एजेंसी सच एस सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, यूजीसी या डीएसटी, इंस्पायर हो गया, तो ये सब बॉडीज जो है फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ये सब एक्सटर्नल रिसर्च बॉडीज हैं या एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी है जो आपकी पीएचडी को फंड करती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो इसमें सिलेक्शन होता है, इन सिलेक्शन के लिए हर फंडिंग एजेंसी अपना अपना हर ईयर अपना एग्जाम कराती है। लाइक सीएसआईआर मोस्टली जुलाई या दिसंबर में टेस्ट कराती है, एग्जाम कराती है। डीबीटी जो है मोस्टली अप्रैल या मई में एग्जाम कराता है, सीएसआईआर जुलाई में कराता है, और यूजीसी के जो साइंस के सब्जेक्ट है वो कंबाइंड होते हैं सीएसआईआर से, बाकी सब्जेक्ट वो अपने इंडिविजुअली एग्जाम कराता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में जो मेरिट लिस्ट आती है उनके हिसाब से डिसाइड किया जाता है किसको किस किस स्टूडेंट्स को फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये सब बॉडीज जो होती हैं जो फेलोशिप देती हैं ये आता है एक्सटर्नल फेलोशिप में। और इसमें सिमिलर टर्म्स जो हो, अगर आप कोई लाइक आपने आईआईटी बॉम्बे का फॉर्म भरा होगा तो इसमें आपने उसका कोड देखा होगा एफए, तो फंड इसमें एफए जो है इस एक्सटर्नल फेलोशिप को इंडिकेट करता है। लाइक आपको अगर आपने कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है एक्सटर्नल फेलोशिप के लिए, आप एलिजिबल हो गए तो आप उस कोड में एफए लिख सकते हैं। साथ ही साथ कई सारे फॉर्म में इसको ओन फेलोशिप के भी नाम से भी डाला जाता है। जो भी फेलोशिप आपकी एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नल एजेंसी से आएगी उसको ओन फेलोशिप या एफए की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं या जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं इंस्टीट्यूट फेलोशिप या टीचिंग असिस्टेंट्स। ये जो फेलोशिप होती है मोस्टली जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट होते हैं लाइक आईआईटी, एनआईटी, आईसर या ऐसी ये प्रोवाइड करती है। ये इसमें फेलोशिप आपकी किसी एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी से नहीं आती है, इसमें फेलोशिप इंस्टीट्यूट खुद प्रोवाइड करता है। ठीक है, और बदले में आपको कुछ टीएस ड्यूटी, एग्जाम ड्यूटी, लैब ड्यूटी, सुपरवाइजर की ड्यूटी, तो ये सब बेसिकली हर आईआईटी में रूल होता है कि आपको 8 आवर्स मिनिमम पर वीक ड्यूटी करना पड़ेगा, तब आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको प्रोवाइड कर दी की जाती है। ठीक है, इनका जो सिलेक्शन होता है, पहले सिलेक्शन होता है उनका जो है रिटर्न एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू के साथ साथ होता है, और साथ ही साथ आप गेट क्वालिफाई मैंडेटरी होता है, या फिर गेट क्वालिफाइड नहीं है तो सीएसआईआर, एलएस और डिप्टी कैटेगरी 2 में अगर आप क्वालिफाइड हैं तो भी आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार फिर से बता दूं, जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप होता है मोस्टली सेंट्रल इंस्टीट्यूट सच एस आईटी, एनआईटी, आईसर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इनका सिलेक्शन जो होता है रिटर्न या इंटरव्यू के एग्जाम्स के बेसिस पर होता है, इसमें गेट, सीएसआर, एलएस या डीबीटी आपको क्वालिफाई करना होता है। इसका अमाउंट भी सेम जो एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी लाइक जो अभी 37,000 है जेआरएफ के लिए, 42,000 है एसआरएफ के लिए, सेम उसी तरह ये आईटी एनआईटी भी उतनी फेलोशिप अमाउंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट फेलोशिप की बात करते हैं, और साथ ही साथ इसका कोड बता दूं, इसको कोड जो होता है इसका टीए के नाम से जाता है। अगर फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं इसका फेलोशिप के नाम टीए के नाम से आता है। लाइक टीए का फुल फॉर्म हो गया टीचिंग असिस्टेंटशिप, या तो हो सकता है फॉर्म में डायरेक्ट लिखा हो टीचिंग असिस्टेंटशिप, या लिखा हो टीए, या लिखा हो इंस्टीट्यूट फेलोशिप, मतलब इस नाम से कोई भी अगर ये फॉर्म में लिखा रहेगा तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
इसके लिए आपको गेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर कुछ इंस्टीट्यूट सीएसआर एलएस या डीबीटी भी एलिजिबल करते हैं। इसमें जो सिलेक्शन होता है रिटर्न और इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की फेलोशिप थ्रू प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर है, अगर उनके अंदर कोई प्रोजेक्ट आता है, लाइक कोई प्रोजेक्ट आया तो उसके अंदर वो जो जेआरएफ को लेते हैं, तो उसमें कई इंस्टीट्यूट में रूल होता है कि प्रोजेक्ट में जो जेआरएफ सेलेक्ट होते हैं वो उस इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जब वो पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी जो फेलोशिप आती है वो प्रोजेक्ट के थ्रू ही आएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको फेलोशिप थ्रू प्रोजेक्ट लिखा गया। जो इसमें कई सारे एम्स हो गया, तो एम्स वीकली प्रोजेक्ट थ्रू फेलोशिप प्रोवाइड करता है, और इसका सिलेक्शन भी इंटरव्यू और रिटर्न के एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, और साथ ही साथ इसको भी टीए और आरए के टर्म्स में जाना जाता है। तो हमने तो आपने देखा कि सारे फेलोशिप्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज में, ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। एक्सटर्नल फेलोशिप, जिसमें जो एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी लाइक सीएसआईआर डीबीटी ये सब प्रोवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जिसमें आईआईटी एनआईटी आईसर ये सब इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। और फेलोशिप थ्रू प्रोजेक्ट, इसमें जो जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के अंदर प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें जो उसके थ्रू इस पीएचडी को फेलोशिप दी जाती है, ठीक है। और कुछ अलग कुछ और फेलोशिप्स की बात कर ले तो लाइक आईआईटी आरईटी या सीयूटी, लाइक जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं वो आरईटी या सीयूटी कंडक्ट कराती है पीएचडी एडमिशन के, लेकिन इनका जो अमाउंट होता है काफी कम होता है। साथ ही साथ एक और टर्म देख रहे होंगे, गेट जेआरएफ। गेट जेआरएफ का क्या होता है, जैसे जो बीटेक में जो बीटेक बायोटेक स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो गेट में 85% से ऊपर परसेंटाइल लाते हैं, ठीक है, जो ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स अगर गेट में 85% से ऊपर परसेंटाइल लाते हैं तो सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनको फेलोशिप जो है सीएसआईआर देगी। तो गेट जेआरएफ का यही मतलब हुआ, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं डायरेक्टली पीएचडी परस्यू करने के लिए और उनका गेट में 95% से ज्यादा है, तो डायरेक्टली वो सीएसआईआर इंस्टीट्यूट में एलिजिबल हो जाएंगे डायरेक्ट पीएचडी के लिए। और कुछ इंस्टीट्यूट एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये भी अपना इंडिविजुअल एग्जाम कराते हैं, वो भी इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ स्पेशल फेलोशिप अलावा है जो यूजीसी प्रोवाइड करता है, जैसे कि यूजीसी और यूजीसी और सीएसआई एग्जाम जब कंडक्ट होता है उसके बाद वो मेरिट लिस्ट देते हैं, तो उसके कुछ दिनों बाद वो ओबीसी और एससी एससी के लिए भी एक अलग से लिस्ट निकालते हैं, जहां पे वो कुछ स्टूडेंट्स को मेरिट लिस्ट के हिसाब से एक स्पेशल फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट समरी बता दूं, एक्सटर्नल फेलोशिप जिसमें एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी आपके पीएचडी को फेलोशिप प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फेलोशिप जिसमें आप अगर गेट क्वालिफाइड है तो जैसे आईआईटी एनआईटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे ये इंस्टीट्यूट्स आपको फेलोशिप देंगे। देन थर्ड हो गया फेलोशिप थ्रू प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट में आप इनरोल होते हैं वहां से पीएचडी कर सकते हैं, फेलोशिप आपकी प्रोजेक्ट के थ्रू आएगी। और कुछ स्पेशल केसेस है, सो अब इस फेलोशिप के बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं फॉरेन में फेलोशिप्स की बात करूंगा कि लाइक आप किस किस फॉरेन में पीएचडी अगर करना चाहते हैं तो किस किस फेलोशिप के थ्रू आप फॉरेन पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।